नमस्कार दोस्तों, न्यूज वन नेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ओपन बोर्ड क्या होता है और ओपन बोर्ड की मान्यता होती है या नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए ऐसे माध्यमों की आवश्यकता महसूस हुई जिसमें किसी व्यक्ति को स्कूल या कॉलेज न जाना पड़े। छात्र घर बैठे ही या जॉब या व्यवसाय करने वाले लोग अपना व्यवसाय करने के साथ ही अपनी ऊपर की पढ़ाई या उच्च पढ़ाई कर सके। तो ऐसे में मुक्त विश्वविद्यालय या मुक्त विद्यालयों की शुरुआत की गई और इन्हीं को आज हम ओपन बोर्ड ओपन विश्वविद्यालय भी कहते हैं। इनको डिस्टेंस एजुकेशन या दूर शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि ओपन बोर्ड की मान्यता होती है या नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ओपन बोर्ड की मान्यता उतनी ही होती है जितनी किसी सरकारी स्कूल या सरकारी विश्वविद्यालय से आप डिग्री प्राप्त करते हैं। इग्नू जैसे मुक्त विश्वविद्यालय की मान्यता तो विदेशों तक भी मानी जाती है। अगर आप इंटर की पढ़ाई NIOS या किसी और मुक्त विश्वविद्यालय से करते हैं तो उसकी मान्यता CBSE बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, UP बोर्ड या अन्य किसी राज्य बोर्ड के बराबर ही होती है। और आप ओपन बोर्ड से परीक्षा पास करके किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे JEE मेन, नीट या अन्य प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उसमें आप भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।